हेलो एवरीवन। और ये जो प्लांट है ये तुलसी के प्लांट हैं, और एक प्लांट है इसमें फ्लावर है, ये बहुत ही अच्छा होता है लगाना। और ये बहुत ही छोटा था जब मैं इसको लगाई थी, मैं किसी दिन इसकी स्टोरी बताऊंगी। और अब चलिए चलते हैं रसोई में और मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाई हूँ पालक पनीर की रेसिपी, मेरे तरीके से, बिल्कुल मेरे ट्रिक से, जिसको बनाने के लिए चाहिए बिल्कुल फ्रेश पनीर। पनीर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और पालक भी बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। ये पालक को, 1 किलो पालक को मैं ली और उसको अच्छे से क्लीन कर दी 5-6 बार। पालक में डालना है 1/2 टीस्पून नमक और इसमें डालना है साथ ही 1/2 कप पानी। और इसको बिल्कुल मीडियम या हाई फ्लेम भी कर सकते हैं गैस पे, इसको 4-5 मिनट के लिए ढक कर इसको बॉयल कर लेना है, बस 4-5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लोग को इंस्टेंट बनानी है पालक पनीर तो इसको रात को या पूरा रेडी करके रख लें, बॉयल करके रख लें, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और इसको सुबह में बनाइए। अगर शाम को बनाना है तो सुबह को इसको रेडी करके रखें और शाम में बनाएं। ये देखिए पूरा बॉयल हो चुका है, खोल रहा है। अब इसको मैं साइड में रख दूँगी ताकि अपने आप ये ठंडा हो सके। और पालक को अपने आप ठंडा होने देना चाहिए, इसको बर्फ़ डाल के या ठंडा पानी डालकर अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो करें, लेकिन वैसे इसको अपने आप ठंडा होने दें। मैं इसको सुबह को ही रेडी करके रख ली थी और मैं शाम में बनाई तो बिल्कुल ये ठंडा हो चुका था। इसको मैं 2 बार करके पीस ली पालक को। अगर इसको लोग पहले सब कुछ रेडी करके रख लेते हैं तो बनाना बहुत ही ईजी है, ये 15-20 मिनट के अंदर बन जाता है, बहुत ईजी है। क्योंकि इसको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए इसको पहले ही क्लीन करके रख लेना चाहिए। ये देखिए पालक बिल्कुल महीन पीस चुका है। पालक को अच्छे से पीसना है और उसका जो पालक का जो पानी बचा है उसको बिल्कुल ना फेंकें, उसको सब्जी में डाल दें, मतलब पालक पनीर में उसको यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें तो सारी पौष्टिकता उसमें होती है। तो मैं पालक को पीस कर जो पानी था उसमें मैं डाल दी, उससे कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता है और बिल्कुल अच्छा बनता है, इसलिए इसको बिल्कुल ना फेंकें। और मैं जब भी पालक पनीर बनाई हूँ ऐसे ही बनाई हूँ, इसका कोई कलर नहीं जाता है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ग्रीन है इसका कलर, बिल्कुल इसका कलर नहीं जाता है पालक का। इस ट्रिक से एक बार ज़रूर बनाइए। और ये टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह मैं जो रखी थी ये सारे को एक बार में ही मैं पीस ली, सिर्फ टमाटर को अलग पीसी, क्योंकि टमाटर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं और प्याज और लहसुन अदरक को थोड़ा फ्राई करना पड़ता है, मसाले को अच्छे से भूनने होते हैं। और टमाटर तो लास्ट में डालते हैं, टमाटर जब पूरा मसाला जब भून जाए तब टमाटर डालकर और उसको उतार देना है। सारे मसाले पीस चुके हैं एक साथ, मैं पीस ली इसको और मैं टमाटर को सिर्फ अलग पीस कर इसको मैं अलग रख दूंगी। अब सूखे मसाले जो लिए थे मैंने, धनिया, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसकी जो भी सामग्री, मैं सारे सामग्री को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। फिर मैं 4-5 चम्मच सरसों तेल डाली, उसमें जीरा 1 चम्मच, उसको दो मिनट जब पक जाए जीरा, फिर उसमें जो पीसे हुए मसाले हैं उसको डालिए और उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम करके 7-8 मिनट तक उसको भूनना है, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से हम लोग भूनेंगे पालक पनीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मसाले को अच्छे से भूनना है लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम करके। मैं तो लो फ्लेम करके भूनी क्योंकि एक कढ़ाई स्टील की है और जल जाती है, और मसाले को लगातार चलाते रहें। फिर उसमें लास्ट में टमाटर डालना है, 2-3 मिनट पहले जब प्याज लहसुन वगैरह अच्छे से भून जाए तो उसमें टमाटर डाल दीजिए और उसको फिर 2-3 मिनट भून लेना है लो फ्लेम करके, लगातार चलाते रहें। टमाटर को 2-3 मिनट भूनने के बाद जो सूखे मसाले थे उसको इसमें डालकर उसको भी 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनना है, क्योंकि पालक डालने के बाद तो उसको भून नहीं सकते हैं पालक को, तो इसलिए मसाले को अच्छे से भून देने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस ट्रिक से एक बार ज़रूर बनाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली क्योंकि मुझे उतना वक्त नहीं मिला और उतना वक्त नहीं मिलता है, जब भी मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ वीडियो डालने की। और अगर और रेसिपीज़ देखनी है या चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि इसको मैं घी में बना सकती हूँ, तो इसको मैं ऊपर से, जब मसाले भून चुके अच्छे से तब मैं ऊपर से इसमें 1-2 चम्मच घी डाली। आप इसको चाहिए तो इसको मतलब सरसों तेल में मत बनाइए, डायरेक्ट आप घी में इसको बना सकते हैं, उससे उसका टेस्ट काफ़ी और अच्छा टेस्ट आएगा। इसको बटर में भी बनाया जा सकता है और इसमें
जो क्रीम होती है मिल्क क्रीम तो मार्केट में ही मिलती है, घर पे भी निकाल लेते हैं हम लोग दूध से क्रीम, उसको भी इसमें डाल सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी मिल्क क्रीम हम लोग डालें तो उसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट किसी भी मसाले में या नमक के साथ दूध नहीं डालना चाहिए। हम मुझे पता नहीं था, मैं डाल दी थी एक दो बार, लेकिन दूध बिल्कुल नहीं डायरेक्ट डाला जाता है। देखिए मेरे मसाले पूरे भून चुके हैं अच्छे से। मसाले भूनने का मतलब है भून चुके हैं, मतलब तेल अगर साइड से निकलने लगा तो समझिए कि मसाले भून चुके हैं। और इसमें देखिए तेल निकल रहा था। अब मैं इसमें पालक डाल रही, पालक देखिए उतना पानी डालने के बाद ही बिल्कुल गाढ़ा है। पालक को डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए थोड़ा इसका कलर चेंज हुआ है मसालों के वजह से, क्योंकि प्याज था तो थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ये बनने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इतने अगर मसाले नहीं डालेंगे तो फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। और ये घर पे बनी पालक पनीर है तो काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी हेल्दी है। और इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली थी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाली थी, और ज़्यादा इसमें मिर्च तो पड़ता नहीं है पालक पनीर में, तो अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालें कितना ज़रूरत है, कितना आप लोग को तीखा पसंद है। मैं भी बहुत कम डाली थी। अब इसको लो फ्लेम करके इसको ढक देना है 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि मसाला और जो पालक है वो मिक्स हो जाए। देखिए 5-6 मिनट के बाद ये बिल्कुल पक चुका है, अच्छे से ये पक चुका है। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे थोड़ा सा कभी कभी चिपक जाता है ये। इसको बिल्कुल लो या मीडियम फ्लेम पे पकाएं, इसको हाई फ्लेम पे ना पकाएं, और इसको बिल्कुल ढक कर पकाएं, क्योंकि मैं जब हम लोग इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो जल जाएगा। जो मैं फ्रेश पनीर थे वो मैं डाल रही हूँ, और पनीर के जो टुकड़े हैं वो बड़े पीसेस में करें, छोटे पीसेस में ना करें, वो उससे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसका जो ग्रेवी है, जो पालक पनीर ग्रेवी और है, वो उसको पनीर अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। इसलिए बड़े पीसेस में ही इसको बनाएं। इसको चाहे तो भूंज कर भी इसको डाल सकते हैं पनीर को बिल्कुल। इसको सरसों तेल, बटर या घी कुछ भी मेरे को गर्म कर लें, उसमें बस डालकर और निकाल लेना है, भूनना नहीं है, फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, और फिर उसको अलग रख लें। और हम मैं तो ऐसे ही डाली, मैं बिल्कुल भूनी नहीं इसको, और मैंने कच्चा पनीर को ही कट करके रख लिया था और मैं ऐसे ही डाली, क्योंकि उससे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है। भूनने से ज़्यादा अच्छा कच्चा पनीर डालने से आता है, और भूनने से तो पनीर की पौष्टिकता भी जाती रहती है, तो इसलिए ऐसे ही डालिए। वैसे अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए कैसा पसंद है, मैं स्टिक से ही बनाती हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह आता है, इसका टेस्ट जैसे मार्केट में बनता है वही टेस्ट इसमें आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें एक बार स्टिक से। और इसमें लास्ट में 1 चम्मच गरम मसाला डालना है, बिल्कुल गैस को बंद करने के 1 मिनट पहले। मैं इसको गैस को बंद करने के 1 मिनट पहले इसमें गरम मसाले डाली 1 चम्मच, और बस इसको डाल के मिक्स कर लेना है, उसको गैस को बंद कर देना है। और अगर 500 ग्राम पनीर है तो उसके लिए 1.5 kg पालक लें, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी होगी। और गरम मसाला को डालने के बाद 4-5 मिनट तक ढककर छोड़ दें, उससे जो गरम मसाले की टेस्ट है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी पालक पनीर में। पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको रोटी, राइस, पूड़ी या नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरा गला सूख रहा है क्योंकि मैं लगातार रुकी नहीं और मैं लगातार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरा गला सूख रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लग रहा है तो। मैं और भी रेसिपीज डालने की कोशिश करूँगी ऐसे ही। और थोड़े से मैंने रखे थे पनीर के टुकड़े, उससे मैं इसको मैं डेकोरेट कर दी हूँ, उससे काफ़ी इसका देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस ट्रिक से ज़रूर बनाइए, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा इसमें, रेस्टोरेंट की तरह टेस्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।